हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को कुछ बेडरूम की साइज के बारे में बताऊंगा कि बेडरूम की साइज क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि बेडरूम की अलग अलग साइज होती है, जैसे कि कोई 10x12 का बनाता है, कोई 11x12 का बनाता है, कोई 12x14 का बनाता है। लेकिन मैं आज आपको जो स्टैंडर्ड साइज है, जो ना कि छोटा है ना बड़ा है, 10x12 फीट बेडरूम के बारे में आज को डिटेल दूंगा। तो ये जो मैंने बेडरूम लिया वो 10 फीट हमारे पास चौड़ाई के अंदर है और 12 फीट लंबाई के अंदर है, ठीक है। ये 10x12 का हमारा बेडरूम है अंदर से अंदर, ठीक है। वॉल है जो कि बाहर है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको डिटेल दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बेडरूम का 3.5 फीट का दरवाजा रखते हैं। ये दरवाजा यहाँ से लेके यहाँ इस दीवार तक यहाँ तक खुलेगा, ठीक है। तो ये स्पेस हमें डोर के लिए चाहिए। अब डोर के पास जिस पास आप चाहो तो वार्डरोब बना सकते हो, जो कि हमारी 18 इंच बाई 6 फीट है, जो कि पर्याप्त है। आप चाहो तो उतना सामान डाल सकते हो इसके अंदर। 18 इंच हमारी डेप्थ होती है और 6 फीट हमारी लेंथ होगी, और हाइट आप चाहो तो पूरी 11 फीट भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी वार्डरोब हो जाती है। उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जस्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास टीवी पैनल लग जाता है, जो कि ज़्यादातर अधिकतम 12 इंच से ज़्यादा बाहर नहीं आता और 4 फीट से ज़्यादा चौड़े के अंदर नहीं होता है। तो आपका आराम से यहाँ पर टीवी पैनल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात करते हैं दोस्तों अगर बेडरूम की, सॉरी बेड की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने बेड लिया 6x6.5 फीट है। इससे बड़ा डबल बेड नहीं होता है। 6 फीट चौड़ाई के अंदर है और 6.5 फीट लंबाई के अंदर हमने ये बेड लिया है। और उसके साथ में यहाँ पर देखिए 1x1 फीट की यहाँ पर हमने टेबल भी डाइट साइड में रखी है, सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये कुछ इस टाइप से हमारा डिज़ाइन। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 6.5x6 फीट का हमारा बेड है और यहाँ पर 1 फीट बाहर आया हुआ टीवी का पैनल है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पर 2.5 फीट का हमारे पास स्पेस बचता है। आप आराम से 2.5 फीट के अंदर एक बंदा आ जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। और फिर यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस साइड में हमें कोई जगह की ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी हमारा टेबल आने के बाद 1 फीट और जगह दीवार के बीच में बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आदमी आराम से इस तरफ से भी बेड से उतर सकता है और चढ़ सकता है, ठीक है। फिर वापस इस तरफ आते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा गया टीवी पैनल, सॉरी टेबल आ गया हमारा साइड टेबल बेड का। और उसके बाद में यहाँ पर वार्डरोब 18 इंच, और उसके बाद में यहाँ पर 2.5 फीट जगह हमारे पास और बची है। तो यहाँ से भी बंदा चढ़ और उतर सकता है और सामने से भी चढ़ और उतर सकता है। तो इसका मतलब कि 10x12 फीट जो हमारा बेडरूम है वो आपको ना तो छोटा लगेगा ना ही बड़ा लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये 10x12 का अगर बेड होगा आपका बेडरूम, तो यहाँ पर देखो ना, सारी चीज़ें फुल है, मतलब कि वार्डरोब आ गई, तो ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है ये, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा होता है ना, जैसे कि 12x14 का, 14x15 का लोग बेडरूम बनाते हैं, तो उसके अंदर आप देखिए ना कितनी स्पेस खुली खुली रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर आप कुछ और डालना पड़ेगा फर्नीचर वगैरह उसको फिल करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एक हमारा है पर्याप्त और एक स्टैंडर्ड साइज है 10x12, अगर आपका बेडरूम है तो आप अच्छी तरह से इसका डिज़ाइन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने जानकारी दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।